कैसे हो सभी भाई मेरे? और आई होप सारे अच्छे होंगे, घर पे होंगे, अपने हेल्दी होंगे और सेफ होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी आपको पता है, जैसे मेरी जो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है मेरी गेमिंग सीरीज़ चालू थी और मेरे को 1 मंथ हो चुका था और मैंने वीडियो शूट भी कर ली थी, एडिट भी कर रहा था उसको, बस अपलोड करना ही था कि अब ये लॉकडाउन लग चुका है तो सारी जिम्स बंद हो गई हैं। जैसे कि पता आपको, जिम्स पहले बंद हुई है। वैसे तो ये बहुत सैड की न्यूज़ है कि सबसे पहले जिम्स बंद होते हैं मगर सबसे बाद में जिम्स खुलते हैं, मगर इस टाइम पे केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि सब कुछ क्लोज करना ज़रूरी हो गया था। तो ये एक तरह से ठीक भी है क्योंकि अगर आप सेफ रहोगे तो ही आप आगे वर्कआउट कर सकते हो, आगे कुछ कर सकते हो, अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। रही फिटनेस की बात, तो आप अपनी अच्छी डाइट लेके, अच्छा वर्कआउट करके वो घर पे भी आप फिट रह सकते हो। तो आई होप आप सब अच्छे से अपना वर्कआउट भी कर रहे होंगे घर पे, डाइट भी अच्छी ले रहे होंगे। तो और जो मैंने वीडियो पहले शूट करी थी वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो देखना और आप बताना वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना कि किस चीज़ की कमी है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से ठीक कर सकूँ। और अभी ये अभी गेमिंग तो 1 मंथ हो चुका था, सोच रहा था और भी वर्कआउट्स डालूंगा साथ में। तो फिलहाल अभी आप ये वीडियो एंजॉय करो, देन उसके बाद मैं फिर डाइट वगैरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा और इस बार मैं कंटिन्यू करूँगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं करूँगा। बीच में ब्रेक के लिए सॉरी, एंड मेरे चैनल पर बने रहना। और जिसने मेरे को फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा आपको। एंड गाइज, घर पे रहना, हेल्दी रहना, सेफ रहना, अच्छी डाइट लेना ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, और वीडियो को एंजॉय करो तब तक। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाली, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम्स थी पर्सनल लाइफ में, थोड़ा बिजी चल रहा था। और तो आज मैं पूरा व्लॉग डालने वाला हूँ, आज फर्स्ट डे होगा व्लॉग का, तो कंटिन्यूस वीडियो डालने वाला हूँ, एक भी दिन का गैप नहीं करूँगा। और वीक में आपको 1 से 2 वीडियोस मिलती रहेंगी, चाहे वो गेनिंग के ऊपर हो चाहे कटिंग के ऊपर हो। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और कंडीशन देख सकते हो बॉडी की सुबह सुबह। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरा गेनिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, जिसको स्टार्ट हुए 2 वीक हो चुके हैं। लास्ट 2 वीक से मैं कर रहा हूँ गेनिंग का, अपना स्टार्ट हो चुका है मेरा, और ये कंडीशन है 2 वीक में। तो बाकी ये 3rd वीक स्टार्ट हुआ है मेरा, जिसमें मैं व्लॉग्स भी शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी कि क्या वर्कआउट है, क्या डाइट है। जितना हो सकेगा मैं अपनी प्रॉपर डाइट बताऊँगा आपको कि मेरी क्या डाइट चल रही है, एंड क्या वर्कआउट लेता हूँ, क्या डाइट करता हूँ, क्या सप्लीमेंटेशन लेता हूँ। मैं सबके ऊपर वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो अभी जो है, अभी मेरी गेनिंग सीरीज़ चल रही है, तो गेनिंग सीरीज़ होगी ये मेरी, जो होगी 3 मंथ्स तक की मैं गेनिंग करूँगा। 3 मंथ्स में मैं दिखाऊँगा आपको कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। तो ये अभी सिर्फ 2 वीक की फिजिक है, ये 2 वीक्स में कराया मैंने, तो 2 वीक्स पहले की भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी टाइम से वर्कआउट नहीं करा था मैंने, लास्ट जो वर्कआउट किया था मैंने वो मायोड्रॉल के लिए किया था, उससे पहले जनवरी से 2020 से कोई वर्कआउट नहीं करा था मैंने। 1 साल का प्रॉपर गैप था, कोई डाइट नहीं, कोई वर्कआउट नहीं, और अब स्टार्ट किया, अब कंटिन्यूस करूँगा। और बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं मेरे, मेंस फिजिक खेलता हूँ कॉम्पिटिशन, तो मैं आपको पूरी प्रिपरेशन दिखाऊंगा, कैसे तैयारी की जाती है, एंड टाइम पे स्टेज पे कैसे जाया जाता है, क्या क्या सप्लीमेंटेशन यूज़ होते हैं, क्या डाइट रखनी पड़ती है, कब पानी, क्या सब कुछ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एंड तक के लिए सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाए, कैसे क्या करते हैं। A few minutes later. सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सैलरी जो मैं डेली पीता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में, फ्रेंड्स मैंने अपना सैलरी का जूस बना लिया है, जो सुबह सुबह खाली पेट में पीता हूँ मैं। और
2 वीक्स का पी रहा हूँ इसको, उससे पहले कभी नहीं पिया मैंने। जस्ट मैंने साहिल खान भाई की स्टोरी देखी थी और तब से मैंने स्टार्ट कर दिया। मतलब देखा तो बहुत पहले से था मगर मैं वर्कआउट ही नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अभी जस्ट स्टार्ट कराया 2 वीक्स में। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, ऑर्गन्स के लिए। अब तो कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स मेरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा वीक में 1 से 2 बार आपको व्लॉग्स देता रहूँ और डाइट वगैरह बताता रहूँ, क्या वर्कआउट है क्या नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मैं एंड तक आपको सब बताऊँ कंपटीशन के टाइम पे क्या होता है, कैसे होता है, स्टेज से पहले क्या खाना पड़ता है, पानी कब छोड़ना पड़ता है, एवरीथिंग। तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं अब तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि उससे आपको भी बेनिफिट मिले और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना मेरी वीडियोज़ को। 3 मंथ से मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली, बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो अब मैं ट्रैक पर आ चुका हूँ अगेन, तो अब आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी, डोंट वरी। तो फ्रेंड्स जैसे कि ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो चुका है और 100 ग्राम ओट्स, उसके साथ 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन। तो सोस वे एग्स अभी नहीं ले रहा मैं, थोड़ा हैवी हो जाता है, इसके बाद मेरी एक और मील होती है, इसलिए तो 100 ग्राम ओट्स है। यही मेरे से बहुत मुश्किल से खाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मेरा यही रहता है हमेशा, 100 ग्राम ऑफ ओट्स एंड सम फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, बनाना। हम बॉडी बिल्डर्स को, एथलीट को अपनी डाइट वगैरह खुद ही बनानी पड़ती है, होता है थोड़ा डिफिकल्ट टाइम वगैरह निकालने में। बॉडी बिल्डिंग गेम भी इतना इजी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं बंदों के कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है मगर मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, मेरे को बॉडी बनानी है। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करने में और बॉडी बनाने में बहुत डिफरेंस है, याद रखना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग गेम जो है पूरी लग्जरियस गेम है, बहुत पैसे लगते हैं उसमें, काफ़ी खर्चा होता है। और ये समझ लो डाइट, सप्लीमेंटेशन, एस्ट्रॉइड्स, ये वो, हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप, ये वगैरह, तो ये सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती है, बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो सबसे पहले तो आपके कहीं और से अर्निंग सोर्स होने चाहिए, ताकि आप अपनी बॉडी पे लगा सको। आपके पैशन है या आपको पसंद है बॉडी बिल्डिंग करना, तो आप वहाँ से पैसे लगा सकते हो अर्न करके। अदरवाइज अगर आपका प्रोफेशन ही बॉडी बिल्डिंग है, या आप ट्रेनर हैं या कुछ भी हैं, तो आप वहाँ से अर्न करें, अपनी बॉडी से अर्न करें, अपनी बॉडी पर लगाएं, तब तो आप कॉम्पीट करें, अपने घर वालों को परेशान ना करें कि बॉडी बनानी है पैसे दे दो, खुद अर्न करो, खुद बॉडी पे लगाओ, खुद अचीव करो, एक गोल सेट करो। या आपकी कहीं और से अर्निंग हो रही हो, आप बॉडी पे लगा रहे हो, या आपकी बॉडी से ही अर्निंग हो रही है, आप बॉडी पे लगा रहे हैं, आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं। तो मैं भी अपना खुद ही करता हूँ, लास्ट 2018 में जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मेरे को घर वालों ने सपोर्ट की थी, उसके बाद से मैंने खुद ही सपोर्ट लेनी बंद कर दी। मतलब सपोर्ट करने के लिए तो कोई मना नहीं है, घर वाले ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, बट खुद से स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद अर्न किया, कॉम्पीट किया 2019 में, 3-4 कॉम्पिटिशन्स खेले जिसमें मैं जीता भी, खुद पैसे कमाए, खुद खेला और अपनी बॉडी पे लगाए। जितना खुद से करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा कि कम से कम मैं अपनी बॉडी पे खर्च करूँ, मेरे को कुछ रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं। और रही बात, बहुत से भाई बोलेंगे कि एस्टेरॉइड लेके बॉडी बनाई ये वो, तो हेटर्स की देखो कमी है नहीं, ठीक है, उनका काम है बोलना, तो वो बोले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी सामने आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ एनाबॉलिक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैं प्रोफेशनली हूँ इस लाइन में, ठीक है, मेरे को कोई बना के किसी को दिखाने का शौक नहीं है, मैं प्रोफेशनली हूँ, मैं फिजिक कॉम्पीट करता हूँ, आगे भी खेलूँगा और खेलता रहूँगा अच्छे लेवल तक। ये तो खाया ही नहीं जाता यार, इतना हैवी हो जाता, 100 ग्राम ओट्स, फिर उसके बाद एक मील और है, वो 1.5-2 घंटे में लूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट मील में, ब्रेकफास्ट ख़त्म करके। बाय। फाइनली गाइस मेरी सारी मील पैक हो चुकी हैं, और ये मेरी प्री वर्कआउट मील, फिश, स्वीट पोटैटो और ऑरेंज, ठीक है। बाकी तो मैं ज़्यादातर अपनी जो मील लूँगा और जो पूरे दिन में डाइट है मेरी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि पूरे दिन में मेरी क्या
एक्चुअली मैं पूरे दिन में क्या खाता हूँ और क्या मेरी मील रहती है वो वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। एंड अभी तो सिर्फ ये व्लॉग है, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली थी मैंने। अब हर हफ्ते आपको वीडियोस मिलेंगी और काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बेस्ट प्री वर्कआउट मील है फिश स्वीट पोटैटो, या आप इसकी जगह फिश की जगह चिकन भी ले सकते हैं, और स्वीट पोटैटो ज़रूर ऐड करें जब आप गेनिंग पे हों। बॉडी बनाने के लिए खाना पड़ता है खाना, इन जस्ट 2 वीक्स, ये सिर्फ 2 वीक्स में करा है। जिनको ये यकीन नहीं होता वो जरूर बोलेंगे। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर ले, वहाँ मैं अपनी सारी डाइट डालता हूँ और वर्कआउट वगैरह अपडेट रहता हूँ वहाँ पे हमेशा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना अपडेट नहीं रहा जा सकता कि हर 1 घंटे की आपको उस पर स्टोरी मिले। तो इंस्टा फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको डिस्प्ले पे शो रहा होगा, वहाँ जाके जरूर फॉलो करना मेरे को। चलो अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ, मिलते हैं बाय। तो फ्रेंड्स मैं लेट हो रहा हूँ जल्दी से, और ये सारे मेरे पूरे दिन की मील है, बॉक्स है, सब पैक कर लेता हूँ फटाफट, वर्कआउट के लिए हो रहा है लेट। तो मेरा पूरा बैग सिर्फ मेरे टिफ़िन से ही भरा रहता है, लग जा शेक कर एक और, बाकी और पानी की बोतलें तो मैं उस स्कूटी में डाल लूँगा, तो ये पूरा बैग भर जाता है मेरा। अभी इसमें कपड़े भी डालने हैं थोड़े। ये बैग मेरा पूरा पैक हो चुका है, और अब मैं दिखाता हूँ स्कूटी में मैं क्या क्या ले जाता हूँ अपने। तो बुलेट की जगह स्कूटी लेके जाता हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है मेरा सारा सामान। 1 2 3। यार 1 बजे जिम पहुंचना था और यहीं बच चुके हैं मेरे को, एक अरुण वेट कर रहा होगा मेरा, अरुण वेट कर रहा होगा, वो कह रहा होगा बड़ी लेट आता है। कोई नहीं, जल्दी पहुंचते हैं और जिम सीधा। फ्रेंड्स बताना कैसी लग रही, जल्दी में टाइट हो गई है थोड़ी, टाइट का स्ट्रेच वाले ठीक है, बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए, बाकी इसको जिम में पहनते वर्कआउट करते। तो सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है, शूज एक्स्ट्रा जो भूल जाता हूँ जाते हुए, लास्ट टाइम पे याद आता है मेरे को रास्ते में। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं जिम में, लव यू बाय। ये खड़ी अपनी बुलेट, कवर ढके काफ़ी टाइम से चलाएंगे इसको लेके। जिम में फाइनली जिम पे आ चुके हैं और इसको कर लेते हैं लोग, अपना उठा लेते हैं बैग। क्या हाल है भाई? हाँ वर्कआउट व्लॉग। और ये हमारे अरुण भाई यहाँ पे वेट करते हुए। पहले ही भाई घर पे कुछ काम वाम है कि नहीं है, कि सुबह ही शाम जिम में ही रह दो भाई, बॉडी बनानी है यार। कर अरुण वार्म अप कर भाई, नीचे जा रहा हूँ मैं, तो नीचे करूँगा थोड़ा वार्म अप। रणवीर भाई को देखो,
बाइसेप्स। ये एक भाई फोन में ही लगे रहते हैं, वर्कआउट तो करना ही नहीं है, ठंडी कर दी बॉडी पूरी यार। ये हमारे रणवीर भाई। वर्कआउट डाउन हो चुका है पूरा, पोजिंग भी कर ली है और आज ज़्यादा एनर्जी लग नहीं रही, तो अब अपना प्रोटीन शेक सबसे पहले शेकर लाना भूल गया मेरा भाई, वीडियो बना ला, शेकर लाना भूल गया मेरे, कर ले दियो अपना शेकर मैंने डाल तो दो शेकर बैग में, वीडियो में देखना पड़ेगा पीछे जाके डाला था भाई मैंने शेकर। अब ये ले रहा प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक के बाद 40 मिनट बाद लूंगा मील चिकन विथ राइस। और किसी को कुछ भी पूछना हो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ऑफिशियल राणा गणेश 01। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई गाइस, और आई होप मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ले जाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी दिखे कुछ भी हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छे से कर सकूँ, क्योंकि मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो आप मेरे को कमेंट कर देना अगर आपको जो चीज़ अच्छी ना लगी हो, मैं नेक्स्ट टाइम ठीक कर लूँगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब मेरा ड्यूटी का टाइम हो जाएगा ट्रेनिंग कराने का, तो मैं फ्री अब सीधा रात में आऊँगा, वर्कआउट भी हो चुका है और उसी के बीच में अपनी डाइट भी लेता रहता हूँ टाइम निकाल के। बाकी मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी यू, बाय, लव यू।